बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भुवनेश्वर में, मतलब इतनी बड़ी सिटी नहीं है एज कम्पेयर टू दिल्ली एनसीआर, और हम लोगों को लग रहा था कि चलो ठीक है 400-500 लोग होंगे, 400-500 बच्चे होंगे यार, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, बट दिस वॉज ह्यूज एंड वी एंजॉयड इट लाइक हाउ, मतलब हमारा मन नहीं कर रहा था कि हम लोग स्टेज से उतरे हैं, नीचे जाएं स्टेज से, बट यू नो टाइम, और हम लोगों को कल भी हमारा गिग है तो वी हैव टू ट्रेवल अर्ली मॉर्निंग, सो वी हैड टू रैप इट अप। बट भुवनेश्वर के बारे में डेफिनेटली एक समथिंग इज देयर, लाइक रसगुल्ला और रसगुल्ला समथिंग, इट वॉज अमेजिंग, वी हैड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मॉर्निंग, एंड या स्वीट्स डेफिनेटली, ऑब्वियसली यहाँ का फर्स्ट टाइम किया है, बट या अच्छा लग रहा है यहाँ परफॉर्म किया है, बहुत 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 कोविड लॉकडाउन उसके बाद आई गेस ये हमारा सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा पैक्ड ह्यूज गिग जिसे मैं बोलूंगा, दिस वाज द फर्स्ट आफ्टर द लॉकडाउन, और हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज्यादा हम लोगों को रिस्पांस मिलेगा, इतना ज्यादा प्यार मिलेगा, मतलब लोग वंस मोर लाइक हाउ मेनी टाइम्स आई डोंट नो। सो न्यू एल्बम राइट, सो हमारा जो नया एल्बम है इट्स इन द मेकिंग इन द प्रोसेस, सो इट्स नॉट द न्यू एल्बम बट अ पार्ट, हाफ पार्ट, जो हम लोगों ने एक हाफ पार्ट रिलीज किया था डेढ़ या दो साल पहले ऑलमोस्ट, उसका सेकेंड हाफ जो है, बिकॉज इट वॉज मन का पंछी 1/2, सो मन का पंछी 2/2 इज ऑन द वे, जस्ट वेट एंड वॉच, सो आई विल टेल यू द स्टोरी इन अ जेस्ट इन ब्रीफ। मन का पंछी इसलिए नाम है इसका क्योंकि मन जो है, हमारा जो मन होता है इट्स जस्ट लाइक पंछी की तरह होता है, मतलब अभी एक डाल पे है तो कुछ टाइम में वो दूसरी डाल पे, कुछ टाइम में वो तीसरी डाल पे, सो इट्स कीप ऑन मूविंग ऑन, वो एक जगह पे टिकता नहीं है। सो व्हाई मन का पंछी इज बिकॉज हम लोग जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी हमारी लाइफ स्टोरीज हैं, इसकी है मेरी है, इन सब की है, आपकी इनफैक्ट, तो उसको हम लोग एक वन पैकेज में असेंबल करके वी आर गोना डू दैट। सो मन का पंछी की कुछ फ्यू लाइन्स आई टेल यू अबाउट, आई वोंट सिंग बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गिव द स्पॉयलर फॉर दिस ट्रैक, सो इट्स लाइक उड़ता जाए रे मन का पंछी, उड़ता जाए रे मन का पंछी, आगे शायद आगे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर बता दिया तो फिर वो स्पॉइलर हो जाएगा, सो या दैट्स व्हाट, थैंक यू सो मच।